ईश्वर की ओर जोड़ा है और इस ईश्वर से शक्तियां पाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो ऐसे आदरणीय हमारी जो दीदी है सिस्टर रूपा से अभी हम सुनेंगे कैसे भारत को फिर से महान बनाने में हम सबका योगदान कैसा हो। तो आइए सुनते हैं सिस्टर रूपा। ओम शांति। वैसे तो आप सभी का स्वागत तो इस प्रोग्राम में हो ही चुका है, तो यही कहूंगी कि जैसे कालचक्र में भी तीन चीजों का बड़ा महत्व है, जो बीत गया, भूतकाल, वर्तमान और आने वाला भविष्य। इस पूरी श्रृंखला में जो कई हर सैटरडे हम लोग सुनते आते हैं, भारत का नया कुछ ना कुछ नई विशेषताएं, भारत का अतीत, भारत हमारा कैसा था, सत्युग और त्रेता में इसकी क्या विशेषताएं रही, ये देवभूमि भी कहा जाता है जहां हर घर मंदिर था और हर मनुष्य देवी गुणों से भरपूर देवता था, और जहां द्वापर कलयुग की बात करें तो उसमें भी भारत की विशेषताओं की कमी नहीं रहती। तपस्या का भूमि बना, ऋषि मुनियों का भूमि बना और देशभक्तों की भूमि बनी। ऐसे बहुत सारा हमारा जो बीता हुआ अतीत है भारत का, वो स्वर्णिम युग हम कह सकते हैं, स्वर्ण काल हम कह सकते हैं, जो वेदों पुराणों में भी आगे रहे हर चीज में। अगर हम एक भी कोई ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र होगा जो हम कहे कि भारत में उसका योगदान नहीं रहा विश्व के प्रति, तो ये बीता हुआ अतीत है। क्योंकि हमने भारत के बारे में इन सारी सीरीज में बहुत सारी विशेषताओं की बात की, किस तरीके से भारत महान है, परंतु आज हमारा फोकस हम करेंगे आज के दिन पर वर्तमान और आने वाला भविष्य। अतीत तो बहुत सुंदर था हमारा, लेकिन वर्तमान कैसा है, या वापस इस भारत को पुनः स्वर्णिम युग बनाना है, स्वर्णिम भारत बनाना है, स्वर्णिम भारत बनाने के लिए हमें हरेक को क्या कदम उठाना होगा। तो आज शायद हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे तो मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। वर्तमान ठीक करेंगे तो भविष्य अपने आप से ठीक हो जाएगा। तो जैसे वर्तमान हम कह सकते हैं कि भारत में आज भी अनेक कलाओं की कमी नहीं है, विशेषताओं की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं रही है, क्योंकि भारत शुरुआत से इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए बना क्योंकि इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, जैसे पहले के टाइम में भारत में हमेशा से ही घर से ही शुरुआत होती थी, घर से लेकर के कहा जाता था माता ही हमारी पहली गुरु है, उन्होंने हमें ज्ञान और संस्कार दोनों चीजें दिया। तो जैसे जैसे बड़े होते गए, चलो बाद में एक गुरुकुल का सिस्टम बना, वहां पर भी चाहे राजा का बच्चा पढ़ता था चाहे गरीब का बच्चा पढ़ता था, पर दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता था, उनके अंदर जीवन के क्षेत्र के हर प्रकार का ज्ञान, विद्या और साथ साथ में संस्कार के रूप में सेवा भाव, ये अनेक तरह की चीजें भरती चली गई। इसलिए हमारा एजुकेशन सिस्टम सतयुग से लेकर के जो था द्वापर काल तक भी, यूं कह सकते हैं कि कलयुग लास्ट स्टेज तक भी बहुत अच्छा रहा। इसलिए भारत में काफी हद तक जो हमारी संस्कृति रही, हमारे संस्कार रहे, या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारा सबका स्वभाव रहा, तो बहुत अच्छा रहा। फिर धीरे 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 हम देख सकते हैं आज शायद जितने स्कूल्स हैं शायद पहले इतने नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी लोगों में सभ्यता ज्यादा थी और संस्कृति के प्रति झुकाव ज्यादा था, संस्कार था फिर कहीं ना कहीं तो। पर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि एजुकेशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन संस्कार की बात करें तो वो शायद हम कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए वर्तमान समय हम में देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, या हर चीज शायद जरूरत से ज्यादा ही हमें मिल रहा है, पर आज हमें चाहिए
साइंस तो है हमारे पास, साइंस के साथ अगर हम स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा जोड़ लेते हैं अपने अंदर, क्योंकि आज तक इंसान ने जितने भी इन्वेंशंस किए हैं, डिस्कवरीज किए हैं, हर चीज इंसान की बेहतरी के लिए या समाज की बेहतरी के लिए, उसके सुख सुविधाओं के लिए किया है। इंटेंशन तो शायद हमेशा से ही अच्छा ही रहा, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, या हम कह सकते हैं कि बुद्धि पोल्यूट होती गई, तो बुद्धि पोल्यूट होने के कारण क्या हुआ, वो अच्छी चीजों को भी हमने कहीं ना कहीं गलत यूज करना शुरू कर दिया। एजुकेशन तो है हमारे पास आज, परंतु उसे सही दिशा में लगाने के लिए जो शक्ति चाहिए, एक आत्मशक्ति जो कहा जाता है, जो स्पिरिचुअलिटी की बेस चाहिए, वो कहीं ना कहीं शायद हमसे पीछा पीछे हम रहते जा रहे हैं। इसलिए आज वर्तमान का हमारा चैलेंजेस हम कह सकते हैं, आज समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, कोई भी हम गिन लें, तो आज पूरे विश्व स्तर पर या देश के स्तर पर भी अगर हम देखेंगे तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, उन ऊपर से हमें अनेक प्रकार की समस्याएं नजर तो आती है, पर उन समस्याओं की जड़ों तक अगर हम पहुंचने की कोशिश करें तो बाहर की तौर पर तो हमें कोई फिजिकल रीजंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम और गहराई से उसको जांचे परखे या हम और गहराई तक जाए तो उसमें हमें कहीं ना कहीं क्या मिलेंगे, हर समस्याओं का हम देख सकते हैं कि मूल कारण या जड़े, रूट्स जिसे कहा जाता है, रूट कॉज जिसे हम कह सकते हैं, कि वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हम कह सकते हैं कि जो इस समय हमारे अंदर हावी हुआ है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में हम विकार कह सकते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड या हमारे नेगेटिव कर्म हम कह सकते हैं, या विकार जिसे वाइसेस जिसे कहा जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। हर समस्या का कोई ना कोई बाहरी रूप अलग होगा, लेकिन गहराई से देखिए, उसकी जड़ों में जाए तो हर समस्या का कोई ना कोई कारण इन्हीं विकारों में से हम पाए जा सकते हैं। तो अब इसका समाधान क्या, विकार तो है, समस्याएं भी है, और लेकिन इस चीज से अगर हमें बाहर निकलना है तो उसका जैसे होता है कहीं आग लगा, तो उसका समाधान है कि अगर जितने का आग है उससे ज्यादा क्वांटिटी का आपको पानी चाहिए, आपने उसमें पानी डाल दिया तो नेचुरली है कि ऐसा होगा कि वो आग बुझ जाएगा। इसी तरीके से आज जितनी भी समस्याएं हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारा देह अभिमान के कारण जो नेगेटिविटी आती है उसका है, लेकिन उसका समाधान की ओर अगर हम चले तो हम अपनी लाइफ में जितनी पॉजिटिव वैल्यूज को, यूनिवर्सल वैल्यूज को अडॉप्ट करते जाएंगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं वो वैल्यूज, सबसे पहले तो हमारे अंदर दो चीजें चाहिए, एक तो नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, एजुकेशन के साथ साथ जितनी हमारे अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज आएगी, वो ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी का मतलब वो है कि जहां स्पिरिट की एबिलिटी को हम इंक्रीज कर सके, अर्थात हमारी आत्मशक्ति का हमें ज्ञान हो, हमारी इनर मैकेनिज्म के बारे में हमें पता हो कि हमारा इनर मैकेनिज्म काम कैसे करता है, हमारे रियल सेल्फ क्या है, हमारी पॉजिटिव पावर्स क्या है, इनेट क्वालिटीज क्या है, वो वैल्यूज क्या है। जितना हम खुद को जानेंगे, अपनी असलियत, अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानेंगे, अपनी उन यूनिवर्सल वैल्यूज को समझ कर उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमारे जीवन में जो समस्या रेगुलर बेसिस पर आती है उसको कहीं ना कहीं टैकल करने का हमें पहले नॉलेज मिलता है। तो नॉलेज तो है आज के टाइम पे, हर इंसान को एक्चुअली पता है सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले सके, उस राइट पाथ पर हम चल सके। सब कुछ पता होने के बावजूद कहीं ना कहीं टेम्पटेशंस में आ जाते हैं, या इतनी शक्ति नहीं है कि हम वो राइट डिसीजंस ले सके, वो वैल्यूज नहीं है। पता होने के बावजूद भी हो सकता है जाने अनजाने में गलत डिसीजन हम लाइफ का ले लेते, तो हमारी होल लाइफ डिपेंड करती है हमारे डिसीजंस पर, हम किस तरह का डिसीजंस लेते हैं, वही रिजल्ट हमारी लाइफ को डिसाइड करता है। जो आज तक हम बन पाए, हम नहीं बन पाए, उसके पीछे परिस्थितियां तो है, कुछ हद तक हाथ होता है, बट मेजॉरिटी उन सभी के बीच में भी हमारा डिसीजंस ही रहेगा। तो इसलिए
आज हमें चाहिए कि हम दो चीजों का, स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर अपनाएं। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब कहीं ना कहीं इंसान के मन में आता है कि हमें इस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, या हमें ये करना पड़ेगा, या ये छोड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग है आप जहां पर भी, जिस भी लाइफ में है, वहां आप वैल्यूज को अडॉप्ट कर सके। और वैल्यूज का जो सोर्स है, हम कह सकते हैं कि आज भी हर चीज अपनी सोर्स की ओर अट्रैक्ट होता है। तो ऐसे ही जैसे पानी का सोर्स समंदर है, तो पानी कहीं ना कहीं बहेगी तो सोर्स अपनी समंदर की ओर ही अट्रैक्ट होती है, वहीं पर पहुंचती है। ऐसे हमारे जीवन में भी आज कभी कोई संकट आता है या दुख आता है, कुछ भी होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा, हमारा मन उस परमात्मा की ओर अट्रैक्ट होता है, या हम उसे मन से प्रार्थना करते हैं, उनसे कहते हैं कि हे परम शक्ति, आप हमें शक्ति दे, आप हमें शांति दे, आप हमें सुख दे। और कहीं ना कहीं हम ये भी प्रार्थना करते हैं, अब तक भक्ति मार्ग में हमने ये प्रार्थना की, हे भगवान हमें एटलीस्ट सद्बुद्धि ही दे दे, बुद्धि ठीक रहेगी तो शायद सब संभाल भी लेंगे हम। तो यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो शांति का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, और सबसे बड़ी बात ज्ञान का सागर भी है। तो जितना हम उनसे जुड़े रहेंगे तो हमारे अंदर मन शांत भी रहेगा और मन शक्तिशाली भी बनेगा, और जीवन में आने वाली हर समस्याओं का समाधान भी, क्योंकि मन शांत होने के कारण सही डिसीजंस हम ले सकते हैं, बुद्धि सही काम करेगी फिर हमारी। तो इस तरह से स्पिरिचुअलिटी अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज स्वयं और परम शक्ति के बारे में, और दूसरी चीज हम कह सकते हैं मेडिटेशन योग, वो योग जो हमारी आत्मा के अंदर ऊर्जा भर देता है। जैसे आज भी हम परमात्मा की, जैसे हम दुनिया में पढ़ाई करते हैं, ऐसा हम भी ईश्वरीय पढ़ाई करते हैं। उस ईश्वरीय पढ़ाई में आज हमने सुना कि परमात्मा की याद से हमारे अंदर क्या होगा, शांति और पवित्रता की, प्यूरिटी के वाइब्रेशन पूरे संसार तक पहुंचता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, हमारा सोच का असर पूरे संसार पर पड़ता है, हर प्रकृति पर पड़ता है, प्रकृति के हर कण कण पर पड़ता है। इवन आप जिस घर में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, आपने देखा होगा वहां का पूरे घर में भी एक अलग अलग जगह का एक अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। आप ही के घर में अगर आप देखिए, कोई पूजा घर होगा, एक स्थान ऐसा होगा जहां आप मेडिटेट करते हैं या पूजा करते हैं, आपने देखा होगा वहां जाते ही आपका मन कभी अशांत हो, इधर उधर आपको लगता है कि नहीं मैं वहां थोड़ा जाके बैठ जाऊंगा तो शायद मन थोड़ा शांत हो। वहां के वाइब्रेशंस, सोच वहां पर चेंज हो जाती है। तो वाइब्रेशन, जो कुछ हम सोचते हैं उस वाइब्रेशन का असर हमारे मन पर, हमारे शरीर पर, हमारे आसपास की सराउंडिंग पर, या जो हमसे मिलने आ जाए। इसलिए ऋषि मुनियों का अगर हम देख सकते थे कि वो घने जंगलों में रहा करते, लेकिन उन घने जंगलों में रहते ही उनके आश्रम में कई ऐसे जानवर आ जाते थे, उनका जानवर भी आ जाते थे, लेकिन आने के बाद वहां का वाइब्रेशन इतना शांत होता था, वो जानवर भी, शेर भी आके शांति से बैठ जाता, कारण वहां की तपस्या और वहां के वाइब्रेशंस। देखो, इसलिए कह सकते हैं कि पूरे संसार में भले अंधेरा हो सकता है तो, लेकिन अगर हम एक मोमबत्ती भी, एक दिया भी जला देते हैं, वो दिया भी क्या कर सकता है, एटलीस्ट एक कमरे को तो रोशन कर ही देता है। तो सारे संसार को बदलने की बात तो आती है, लेकिन सारे संसार को बदलने से पहले कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो आत्म ज्योत हमें जगानी होगी, उस ज्ञान योग का ज्योत हमें अपने आत्मा के अंदर जगाना होगा, जिसकी रोशनी से एटलीस्ट हमारा जीवन जो है एक प्रकाश की ओर हम एक राह अपना तय कर सके। जिस प्रकाश में होगा, कम से कम हमारे साथ जो चलेंगे उन्हें भी वो रोशनी मिल सके, वो शक्ति मिल सके, वो शांति मिल सके, वो सुख का रास्ता अपना सके। तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, वो वैल्यूज हमारे अंदर आते हैं, जिन वैल्यूज के आधार पर जब प्रैक्टिकल हमारे जीवन में वो शांति, सुख, प्रेम, आनंद, सहयोग करने की शक्ति, टॉलरेंस पावर, ये सारी चीजें हमारे अंदर आती जाएंगी, तो जीवन की हर समस्या का समाधान भी हम निकाल लेंगे, जीने का तरीका भी हमें आ जाएगा, और फिर इस भारत को, क्योंकि वर्तमान हम ठीक कर रहे हैं, अगर हमने वर्तमान ठीक किया तो हमारा भविष्य
वो उज्जवल होना ही होना है। वो तो तय है ही कि हम ही इस संसार को, पूरे विश्व को, यू कह लीजिए एटलीस्ट हम भारत को स्वर्णिम युग बनाने के लिए अपने जीवन को कम से कम तनाव मुक्त, शांत, पॉजिटिव, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को हमें अडॉप्ट करना होगा और कहीं ना कहीं हमें उस वैल्यूज का जो सोर्स परमात्मा परम शक्ति है उससे जितना हम जुड़े रहेंगे उतने हमारे अंदर वो पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स आती रहेंगी और हम अपने जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं। और जब हमने अपना जीवन परिवर्तन कर लिया, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा सहयोग होगा, सबसे बड़ा मदद होगा इस संसार के परिवर्तन के लिए। तो यही मेरी आज का जो था विचार चल रहा था कल से लेकर के, तो यही लगा कि अगर हमें अतीत बहुत सुंदर था हमारा और भविष्य ठीक करना है तो हमें कहीं ना कहीं वर्तमान को ठीक करना होगा। ये छोटी सी जिम्मेवारी हम खुद के ऊपर ले लेंगे तो शायद हम सब मिल करके, हम सब के सहयोग से ये स्वर्णिम भारत अवश्य बनेगा और निश्चित बनेगा। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के प्रति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर रूपा को, आपने बहुत कम शब्दों में स्व के साथ जुड़कर के देश तक कैसे हम परिवर्तन कर सकते हैं और अपने खुद को भी परिवर्तन करते हुए देश को भी महान बना सकते हैं, दो बातों में आपने सारे सार रूप में आपने बता दिया। एक है स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज के द्वारा हमारे जीवन में उसको प्रैक्टिकली लाना, और दूसरा मेडिटेशन के द्वारा उन वैल्यूज को और पक्का करना। तो कैसे हम अपना योगदान इस तरीके से छोटी छोटी बातों से भी हम योगदान दे सकते हैं, तो ऐसे बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने रखा। आपको दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। अभी जिसके लिए इंतजार था वो घड़ी आ गया है कि हम जिससे सुनना चाहते हैं वो महान व्यक्ति, खास करके हमारे भाई जी डॉक्टर मल्लिकार्जुन। नमस्ते भाई सर, आपको इस श्रृंखला में स्वागत है, स्वागत है, दिल से स्वागत है। आप हमारे एजुकेशन के इस तक लेवल तक आप लेके गए हैं, बच्चों को इस तरीके से आपने पढ़ाया है, तो आपके कार्यों से पता चलता है कि देश को महान बनाने में कि हर एक व्यक्ति की कितना योगदान दे सकते हैं और कितना अपने संपूर्ण तरीके से सहयोग से, तो चाहे वो बच्चों के द्वारा, चाहे वो किसी भी तरीके से अपनी जो भी कलाओं के द्वारा, तो आपका जो जीवन ही एक कार्यशाला है और आपका जीवन ही एक रोल मॉडल के रूप में, क्योंकि आप एक ऐसी हस्ती हैं जो अनेकों युवाओं के लिए, खास करके बच्चों के लिए भी, अनेकों टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी आप एक बहुत ही अच्छे, एक अनुभवी, एक रोल मॉडल हैं। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने एक पर्सनल अनुभव में बताना चाहूंगी, क्योंकि आपके सुनने से पहले मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी कि हमारे जो भाई जी हैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन जी, तो आप वैसे तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से रिटायर्ड हुए हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी आपने, ए ब्लॉक में भी और बी ब्लॉक में भी आपने किया है। तो जब स्वयं की बात आती, मेरी पर्सनल के अनुभव की बात आती है, तो जब हमारी जो ब्रह्म कुमारीज का एक एजुकेशन विंग है, वैसे तो अनेकों वर्ग है, उस 21 वर्ग में लिया जाए तो वो है एजुकेशन वर्ग, जिसमें मेडिकल वर्ग भी आता है, जिसमें मीडिया वर्ग भी आता है, ट्रांसपोर्ट वर्ग भी आता है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज वर्ग भी आता है, लेकिन खास करके जो बहुत एक्टिव वर्ग माना जाता है वो है एजुकेशन वर्ग, क्योंकि जिसमें
हरेक का संकल्प चलता है, हरेक व्यक्ति के देश के हर बड़े से लेकर के छोटे तक, छोटे से लेकर के बड़े जो मिनिस्टर्स है चाहे कोई भी हो, सबका एक विचार जरूर चलता है। क्योंकि आज का युवाओं को जैसे हम करा जाए, जैसे बच्चों को शिक्षा दिया जाए और वही भविष्य में युवा के रूप में या बड़े होकर के इस देश को वो संभाल सके बहुत अच्छी तरीके से। तो जब हम इस एजुकेशन के वर्ग की ओर से एक टच द लाइट प्रोजेक्ट करके हैं, तो इसके अंतर्गत 7th, 8th, 9th के स्टूडेंट्स को हम खास करके वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, या पूरे ही हफ्ते में एक जीरो पीरियड होता था उसमें हम सिखाने के लिए संस्था की ओर से आपके स्कूल में हम आते थे। और पहले ही दिन ही जब आपसे हम मिले, क्योंकि हमें पता चल गया आपकी जो बहुत महानता, जो बड़ा दिल जो कहा जाता है बच्चों के प्रति, कि वो बहुत ही महान था। क्योंकि कई जगह पर हम गए, कईयों ने कहा कि आप बड़े ऑफिसर से जाकर के मिलके आओ, उसके बाद हमारे पास आना, तब हम आपका प्रोग्राम्स रख पाएंगे बच्चों के लिए। लेकिन जब हम आपके पास आए तो आपने बहुत सहज रीति से स्वीकारा और इस प्रोग्राम के लिए आपने स्वीकृति दी। क्योंकि इससे पता चलता है कि आप सिर्फ बच्चों को सिर्फ एक एकेडमिक एजुकेशन से ही नहीं, आप सर्वांगीण उन्नति चाहते हैं बच्चों में। आपके अंदर मैंने ये भी देखा है प्रकृति के प्रति बहुत प्यार है, तो इसलिए अपने जहां पर भी, जिस स्कूल में भी आप पोस्टेड थे, तो वहां पर आप अपने पूरा वातावरण, स्कूल के वातावरण को ही हरा भरा। क्योंकि प्रकृति जितना कैसे हम हमारी रक्षा करती है, प्रकृति भी जब हम उसकी रक्षा करते हैं तो प्रकृति इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली हो हमारी रक्षा, हर बीमारी से भी सुरक्षित रखने के लिए बहुत मदद करती है। तो मैंने देखा स्कूल में भी बहुत सारी चीजें, ऐसे पेड़ पौधे लगाए हैं, बहुत सुंदर सा पार्क बनाया है, बच्चों को भी आप यही प्रेरणा देते हैं प्रकृति को बचाने की। और जब जब भी हम स्कूल में जाते हैं या किसी से भी बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं, तो आपका जो कार्य है तो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि वो जब भी लेते हैं तो कहते हैं कि अच्छा वो अन्ना का स्कूल है, अन्ना का स्कूल करके वो कहा जाता है। क्योंकि आपका जो कार्य है इतना बड़े दिल से आपने किया, और इसलिए चाहे बच्चे हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, कोई भी हो, आज तक भी वो यादगार बन गया वो नाम अन्ना का स्कूल। भले आप कहीं पर भी पोस्टेड होकर के गए, कहीं पर भी गए, लेकिन आपकी जो कार्य है और आपका नाम है जो कोई नहीं भूलता। तो ऐसे कार्य आप करके गए, तो इसलिए भारत के लिए आपका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। और साथ साथ में आपने एकेडमिक में बहुत सारे अचीवमेंट्स भी आपने पाए हैं, अवार्ड्स भी आपने पाए हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि आप अपने छोटे से गांव में आपने जन्म लिया, और जन्म के बाद जब आप स्कूलिंग भी वही कर्नाटका स्टेट पर एक विजयपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, और वहां से आपने स्कूलिंग और कॉलेज भी किया, कर्नाटका कॉलेज ऑफ धारवाड़ से आपने ग्रेजुएट हुए, और आप अपना एमए इन ज्योग्राफी में, अप्लाइड ज्योग्राफी में कर्नाटका यूनिवर्सिटी धारवाड़ से ही आपने किया। और इस पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको फर्स्ट रैंक के आने के कारण आपको गोल्ड मेडल भी आपको नवाजा गया, आप प्राप्त है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और आप नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप 1985 में आपको मिला हुआ है, और आप यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप में भी कर्नाटका यूनिवर्सिटी से 1988 में आपको अवार्ड मिला है। जैसे आपने एमए कंप्लीट किया, आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन से पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, तो ज्योग्राफी में आपको किया गया, और आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी 2001 से लेकर के 2007 तक भी आपने अपना कार्य किया है, और आप प्रिंसिपल के रूप में गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, इसमें भी आपने अपना कार्य दिया है। उसके बाद
आपने अन्नामलई यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, एमफिल पीएचडी कर्नाटका यूनिवर्सिटी में किया है, और खास करके जैसे जैसे आपका पोस्ट बढ़ता गया, आप डेप्यूटी डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिसर के रूप में भी आपने किया है काम, और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से आपने अभी तक भी कार्यरत थे, और आप इसी पोजीशन से, इसी पोस्ट से आप जो रिटायर्ड हुए हैं। आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं आप सभी श्रोतागण को एक और एक अच्छी बात बताऊं कि आपको गोल्ड मेडल भी मिला है, और साथ साथ में आप थर्ड रैंक भी आए हैं एमए जनरल में। आपने एक ऑल इंडिया रेडियो में टॉक भी दिया है साइंस न्यूज में, न्यूज के ऊपर, और नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप भी मिला है, और यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप भी आपको मिला है, और आपको अनेकों अप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट्स भी आपको मिला है। अनेक बार जहां जहां पर भी आपने जो स्कूल के प्रिंसिपल रहे, टीचर बन के रहे, खास करके हमारे जो बिंदापुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी आप जो कार्यरत थे, आप वहां पर थे, जब हम बार बार हम मिलने आते थे आपसे, और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, और उस स्कूल में जो आपने किया है बच्चों के लिए, तो उसके लिए खास करके जो हॉनरेबल हमारी जो श्रीमती शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं, आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट उनसे प्राप्त हुआ है। तो क्योंकि वो जो बच्चे, जो बहुत ही उन बच्चों पर आपने मेहनत किया, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत किया उन बच्चों के पीछे, और टेंथ और ट्वेल्थ के बच्चे जो लगातार उन बच्चों के प्रति कार्य करने के कारण पूरे स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इसलिए आपको बहुत ऐसी सर्टिफिकेट्स अप्रिसिएशन मिला हुआ है। तो अभी हम भाई साहब से सुनेंगे कैसे, भाई साहब आपने बहुत संघर्ष भी किया है, सफलता भी पाई है, और देश को महान कैसे बनाया जाए, तो आपसे हम सुनना चाहेंगे। ओम शांति। सबके लिए नमस्कार और गुड इवनिंग। और मेरे बारे में सिस्टर ने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम, एजुकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिफरेंट मेरा पोस्टिंग्स के बारे में सिस्टर ने बहुत डिटेल्स में बताया, इसलिए वो मेरा इंट्रोडक्शन आए। और इसमें 1986 से लेकर 2021 तक पूरा मेरा सर्विस में मोस्ट चैलेंजिंग मेरा पोस्ट था एज अ प्रिंसिपल। जैसे आई वाज देयर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ज्योग्राफी इन केंद्रीय विद्यालय, एयरफोर्स स्टेशन सांबरा बेलगम, then post graduate teacher in Kendriya Vidyalaya Moscow Russia for 3 years, then Kendriya Vidyalaya National Defense Academy। mera awaaz aa raha hai sabke liye? Haan ji, aa raha hai। Okay, and then in 2007 through UPSC I got selected as a principal in Directorate of Education. Then I have joined Government Co-ed Senior Secondary School Bindapur. जिस स्कूल में मैंने ज्वाइन किया और इट वॉज वेरी चैलेंजिंग जॉब, और मैंने जैसे ज्वाइन किया और मुझे लगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और इनका इनके लिए प्रॉपर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। और जैसे अभी रूपा सिस्टर ने बताया हमारा देश के बारे में, जैसे मेरा देश महान, इसके बारे में बताने के लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी
एंड स्टूडेंट ऑफ जियोलॉजी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा भारत जैसे महान है, और पहले सिस्टर ने बताया कि हमारा देश में बहुत है, और वो सही है। हमारा भारत देश को मैं बताना कि सब कॉन्टिनेंट कहते, मतलब उपमहाद्वीप। भारत देश होने, भारत एक देश होने के बाद भी भौगोलिक दृष्टि से इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। इसको उपमहाद्वीप क्यों कहते, क्योंकि उपमहाद्वीप में क्या क्या विशेषता होना चाहिए वो एक देश में है, हमारा भारत में है। हमारा भारत बहुत संपन्न है, और पूरा विश्व में इतना संपन्न देश दूसरा लगभग नहीं है, क्योंकि पूरा पृथ्वी में आपको सुनने में ऐसा लगता कि यू विल कम टू नो दैट सबसे पहले ये भारत कहाँ हम बैठे हैं, ये सबसे पहले पृथ्वी का रूप में, मतलब जमीन का रूप में निर्माण हुआ, फर्स्ट सॉलिडिफाइड ऑन द अर्थ सरफेस। अच्छा, आप अपनी आवाज बंद कर। मेरी ना आवाज ही बंद की। और उसके बाद भारत इतना संपन्न है कि भारत उष्ण कटिबंध में है तो भी भारत में सभी प्रकार का जलवायु पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंध से लेकर ध्रुवीय जलवायु तक। मतलब भारत है कुछ उष्ण कटिबंध में, लेकिन भारत में जैसे हिमालय पर्वत हिमालय, उधर ध्रुवीय जलवायु पाए जाते हैं। इसी तरीका से भारत में विश्व में कितना ही मृदा है, सभी मृदा इधर पाए जाते हैं, तटीय मृदा, महाद्वीप पर्वतीय मृदा, देन रेड सॉइल, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, मरुस्थलीय मृदा, सभी प्रकार का मृदा पाए जाते हैं। मतलब हमें खुद समझना चाहिए कि भारत हमारा देश कितना महान है। और उसी तरीका से भारत में जैसे मैंने बताया हर प्रकार का नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, मतलब सदा हरित वन से उष्ण कटिबंध वन से लेकर ध्रुवीय वन तक हर प्रकार का वन पाए जाते हैं। और इस तरीके से भारत भौगोलिक दृष्टि से बहुत संपन्न है, और उसी तरीके दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से भी भारत बहुत संपन्न है। देर आर अबाउट 1,532 लैंग्वेजेस एंड देर आर मोर देन 19,000 मदर टंग्स। इस तरीका से संस्कृति में और सामाजिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भारत बहुत संपन्न है, ये सभी भारतीयों को मालूम है। जैसे गांव में रहते, शहर में रहते, ये सबको मालूम है। और इसका उपयोग किस तरीका से करना, और ये आज का ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और भारत में जैसे अभी रूपा सिस्टर्स ने बताया, भारत में कोई भी कमियां नहीं है, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, संस्कृति का दृष्टि से कोई कमियां है। और इन प्राकृतिक संसाधन को और मानवीय संसाधन को उपयोग करके हम किस तरीका से स्वर्णिमय भारत बना सकते, ये इसी तरीका से मैं जैसे सिस्टर ने बताया, ये दिल्ली गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ज्वाइन करने से पहले ये मुझे ये प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में, मानव संसाधन के बारे में, ये और उसको उपयोग के बारे में और उसका संरक्षण के बारे में मुझे ये पूरा ये नॉलेज था, नॉलेज है। और देन मैं ज्वाइन करने के बाद ये जैसे मैंने पहले बताया इट वाज मोस्ट चैलेंजिंग जॉब फॉर मी। देन जैसे मैंने ज्वाइन किया, जैसे आपको मालूम है दिल्ली में 2007 में गवर्नमेंट स्कूलों में आवश्यकता सुविधाएं, जैसे आपने बताया, हम कहते हैं कि बेसिक एम्यूनिटीज वेर वेरी लेस, देर वेर नो बेसिक एम्यूनिटीज, there was a shortage of basic amenities in government go ahead senior secondary school Bindapur.
और देन विद द हेल्प ऑफ स्टाफ मेंबर्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आई हैव इंक्रीज्ड द बेसिक एम्यूनिटीज फर्स्ट इन द स्कूल और देन जैसे वाटर फैसिलिटी ड्रिंकिंग फैसिलिटीज एंड स्कूलों में बैठने के लिए डेस्क नहीं थे और उसमें मैंने बहुत मेहनत करके स्कूल के लिए डेस्क मंगवाया। जैसे हमें सभी मालूम है डेमोक्रेसी कंट्री में पब्लिक सेक्टर इज द रिचेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल ऐसा देखो तो बहुत रिच है, उसको हम इनिशिएटिव केवल इनिशिएटिव लेना रहता। और इस तरीके से ये बेसिक एम्यूनिटीज को मैंने इंक्रीज किया और उसके बाद मैंने बच्चों का बैकग्राउंड स्टडी किया एंड देन मुझे ये समझा इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। इसलिए उस क्वालिटी एजुकेशन केवल क्वालिटी एजुकेशन बताने से नहीं होता और क्वालिटी एजुकेशन में के लिए क्या क्या होना चाहिए वो सभी सुविधाओं को प्राप्त किया। जैसे बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, मोटिवेशन एवरी टाइम और ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग और बच्चों को हमने मोटिवेट किया। और देन फॉर्चुनेटली मैं जैसे इधर प्रिंसिपल का रूप में ज्वाइन किया केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी बिंदापुर में, मुझे स्टाफ मेंबर्स टीचर्स बहुत अच्छा मिला, उनका कोऑपरेशन बहुत मिला। और मिलने के बाद और डेली बच्चों को टीचिंग लर्निंग प्रॉपर होता है नहीं होता और उनको टीचिंग प्रॉपर हो रहे नहीं हो रहे, मैं उन स्टाफ मेंबर के हेल्प से मतलब टीचर के हेल्प से इंश्योर किया। और जैसे अभी सिस्टर बता रहे थे कि गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी बिंदापुर में विजिट करने के बाद वो सिस्टर्स क्लास लेते थे, उस क्लास में मैं खुद 30 मिनट्स मैं बैठता था, बैठ के इन सिस्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करता था इनको आप मोटिवेट कीजिए और किस तरीके से स्टडी करना, ये एक बात है। दूसरा बात, ज्वाइन करने के बाद एवरी ईयर वी टुक वन प्रोजेक्ट एवरी ईयर। जैसे फर्स्ट ईयर में एक हमने प्रोजेक्ट लिया, जैसे हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट लिया, इसका मतलब नहीं कि बाकी पढ़ाई एज यूजुअल होता था, लेकिन उस साल केवल हैंड राइटिंग के बारे में हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किया और पढ़ाई के साथ साथ। और वो हैंड राइटिंग बच्चों का किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना, उसका मेथडोलॉजी और उसका इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ये पूरा वो प्रोजेक्ट लिया। और इस प्रोजेक्ट को हम डेली मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को बताते थे और देन स्टाफ मेंबर्स स्टाफ मीटिंग करके उसके बारे में बताते थे वन ईयर। देन नेक्स्ट ईयर वी टुक प्रोजेक्ट लाइक स्टडी मेथोडोलॉजी, मतलब बच्चों को टीचिंग लर्निंग के साथ साथ स्टडी मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी मतलब स्टडी किस तरीके से स्टडी करना। और कंप्लीट ईयर अबाउट द स्टडी मेथोडोलॉजी। देन रिगार्डिंग डिसिप्लिन, हमने जैसे अभी सिस्टर ने बताया स्कूल में हमें बहुत रिस्पेक्ट थे और हमारा स्कूल हमारा नाम पर चल रहे, इसका कारण ये है डिसिप्लिन, वी ब्रॉट डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स। और वो डिसिप्लिन के लिए एटीट्यूड के लिए स्टडी मेथोडोलॉजी के लिए जो पैरामीटर चाहिए, जो एसेंशियल मटेरियल चाहिए, हम बच्चों को प्रोवाइड करते थे देन एंड देयर ओनली। और बच्चे स्टडी नहीं किया तो, होमवर्क नहीं किया तो, और बच्चे एब्सेंट है तो उसको हम पॉजिटिव वे में डील करते थे। जैसे बच्चे ने बताया कि मैंने ये स्टडी नहीं किया, क्यों नहीं किया, इसको हम डायग्नोज करते थे प्रॉपरली करके। हम ये देखते थे कि बच्चों को टीचिंग लर्निंग ढंग से चल रहे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल में एवरीडे आई यूज टू टेक 3 to 4 rounds और हर क्लास में मैं एक देखता था कि टीचर
खड़ा होके स्टडी कर रहे, पढ़ाई कर रहे और बैठ के कर रहे, और मैं टीचर्स को मोटिवेट करता था और स्टाफ मीटिंग में, जैसे ऐसा है टीचर बैठ के पढ़ाई किया। देखिए ये टीचिंग लर्निंग कैसा प्रोसेस है, देखिए आप टीचिंग लर्निंग ऐसा प्रोसेस है कि टीचर खड़ा होके पढ़ना, बच्चे बैठ के लर्निंग करना, बैठ के लर्निंग करना, मतलब वो बैठना और मतलब शिष्य बैठेंगे गुरु खड़ा होंगे, ये दिस इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और उसमें टीचर बैठ के उसका फिलोसफी ऐसा है, टीचर बैठ के पढ़ाई किया तो बच्चे सो के पढ़ेंगे, टीचर सो के पढ़ाई किया तो बच्चे मर जाएंगे। और इस तरीका से मैं ये इंश्योर करता था कि टीचर, और देन टीचर के साथ प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है और नहीं है, और मैं स्टाफ मीटिंग में डिस्कशन करके और उनको मैं इनक्रेज करता था टीचर्स को, आपके पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, जैसे टेक्स्ट बुक, चॉक्स, डस्टर, ज्योमेट्री बॉक्स, देन मैप्स, ये आपके पास होना चाहिए। और मैंने ये इंश्योर किया कि थ्रोट ईयर में मतलब कभी भी बच्चों का टेक्स्ट बुक नहीं लेना, आपको कितना टेक्स्ट बुक चाहिए आप ले लो, एक घर में रखना, एक स्टाफ रूम में रखना, एक आपका क्लास में रखना और क्लास मॉनिटर के हाथ में देना, उनको बताना कि जैसे मैं आ जाता हूँ मुझे टेक्स्ट बुक देना, ये मैं ये इंश्योर करता था। और इसी तरीके से बच्चों को भी, आपको मालूम है गवर्नमेंट स्कूल में दैट इज मीडियम और लो लेवल सोशियो इकोनॉमिक फैमिलीज रहते, मतलब उनका इनकम कम रहता। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कोएड सिनेसिकल बिंदापुर में मैं कितना साल थे, 5 साल टीचिंग लर्निंग के साथ इनडायरेक्टली हम पेरेंट्स का इनकम भी बढ़ाया। आपको ऐसा लगता है कि इनकम कैसे बढ़ाया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इधर जनकपुरी में एक इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, उधर जिस बच्चे का संस्कृत का मार्क्स 60 से ऊपर रहता उनको स्कॉलरशिप मिलता, और वो स्कॉलरशिप मैंने एक्सप्लोर करके सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मंगवाया। 2007 में हमने पूरा इंडिया में सबसे स्कॉलरशिप हमें मिला, दैट इज राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ पूरा इंडिया के लिए है, और कोई भी उस वो स्कॉलरशिप कोई ने नहीं लिया था, मुझे पता चल गया। और उधर से एक फॉर्म मंगवा के पूरा बच्चों के लिए फॉर्म भरवा के उसका फॉलोअप करके उसका मॉनिटरिंग करके सभी बच्चों को वो स्कॉलरशिप मंगवाया। उसी तरीके से बच्चे जिस जिस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, वार्ड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, नेशनल स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये गवर्नमेंट स्कूलों में बहुत जरूरी है। मतलब हम पढ़ाई के साथ साथ इनडायरेक्टली, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्टली बच्चों का इनकम बढ़ाना। और देन इसके पढ़ाई के साथ साथ हम ये देखते थे कि बच्चों में क्या डिफिकल्टीज है, उन्होंने स्टडी क्यों नहीं कर रहे, और साथ साथ बच्चों को हम बहुत मोटिवेट करते थे हर राइटिंग में, रीडिंग में, इन सबमिशन ऑफ होमवर्क, इन सबमिशन ऑफ क्लास वर्क और लर्निंग इंग्लिश। और मुझे याद आ रहा है एक क्लास में मैं गया और एक बच्चे ने बताया, सर आई डोंट नो इंग्लिश, देन मैंने बताया यू नो इंग्लिश, हु सेज यू डोंट नो इंग्लिश। इस तरीका से बच्चों को हमने हर तरीका से मोटिवेट किया, और वो ये मोटिवेट करने से, पेरेंट्स को मोटिवेट करने से, टीचर्स को मोटिवेट करने से और डिसिप्लिन लाने से, मैं 2007 में पूरा स्कूल का स्ट्रेंथ 1300 थे, और बाय एवरी ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल हैज इंक्रीज्ड, रीच्ड टू 2600, मींस ऑलमोस्ट डबल, उतना बच्चे एडमिशन के लिए आते थे। इसका कारण ये है कि दैट यूज्ड टू गिव क्वालिटी एजुकेशन, और इसके लिए मुझे सभी स्टाफ मेंबर्स का सपोर्ट मिला और पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, यूएमसी मेंबर्स का सपोर्ट मिला, और उसके बाद ये और इसी तरीके से रिजल्ट भी, स्कूल का रिजल्ट भी बढ़ गया,
इस तरीका से वो हम ये एजुकेशन में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में योगदान किया, और इसके साथ साथ और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए ब्रह्म कुमारी इनको मैं धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू। अभी मैं अपने श्रोतागण से निवेदन करूंगी, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछे। इसके बाद हम 2-3 मिनट के लिए सही कि मेडिटेशन भी करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत ही मोटिवेटिंग और इन्फॉर्मेटिव आपने बहुत ही जानकारी उपलब्ध कराई। एक वो संस्कृत विश्वविद्यालय वाला जो स्कॉलरशिप मिलता है वो, और ये लर्निंग का बताया, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। टीचर टीचिंग लर्निंग मेथड कि अगर टीचर खड़े होकर पढ़ाएंगे तो बच्चा बैठ करके पढ़ेगा, नहीं तो वो सो जाएगा और फिर काम हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सर मेरा एक सवाल है कि आप ज्योग्राफी के स्कॉलर हैं, बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। सर आपने जैसे बताया कि पूरा जो हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति है और इतनी रिचनेस है, तो सर कहते हैं कि भारत तो अमीर देश है लेकिन यहाँ निर्धन लोग रहते हैं, तो निर्धनता का कारण सर वो चारित्रिक है या धन से है, और क्या अगर हम उनमें वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि इतनी सुविधाएं होते हुए भी कमी नहीं है, उसी कारण से पता चलता है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है और जो है ब्लैक मनी और भागना, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं, और अभी इतनी आबादी होने के बाद भी अब हम पहले से ज्यादा रिच हो रहे हैं अगर हम देखें तो, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है और ये सारी चीजें, तो मतलब कि कंट्री तो रिच है, पीपल्स आर पुअर, तो क्या वो चरित्र का दोष है या वाकई में ऐसी निर्धनता है, और उसको कैसे ठीक है? जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारीज में हम लोग को ये हमने सिखाया कि शुरू से लेके आज तक चाहे किसी भी तरह की हमें शिक्षा मिली है, वहां पे मेडिटेशन कोर्स है, कुछ भी कहीं भी किसी संस्थान में होता है, तो उसकी कोई फीस नहीं ली जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिल्ली गवर्नमेंट भी पढ़ाने में ऐसा कर रही है, और अभी आज मैंने पढ़ा और पाया कि इस बार 300,000 नए एडमिशन हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट सरकारी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में, और प्राइवेट स्कूलों में बल्कि एडमिशन कम हुए हैं। तो मतलब कि हम वहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं, चूंकि 2 साल कोरोना काल भी था तो लोगों में पॉवर्टी भी बहुत आई, उसके बाद अगर ले रहे हैं तो सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वैल्यू एजुकेशन इम्प्रूव करके हम यूनिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हमारे स्वर्णिम भारत का संकल्प है जिसके लिए कि सभी एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक बोली हो, तो उसके लिए सभी एक जैसा सोचें, तो क्या वो चरित्र के निर्माण से अच्छा हो सकता है या सिर्फ केवल टैलेंट एजुकेशन ही देकर के हम कर सकते हैं? प्लीज। ओके ओके, आपने सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये बहुत वैलिड और ये वेरी मीनिंगफुल अप्लाइड क्वेश्चन है। ये चारित्रिक बिल्कुल नहीं है, और मैं उसी पॉइंट पर बताने वाले थे लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम के बारे में मैं वो टच में नहीं आया। सर भारत में देखिए, आप पर्टिकुलरली दिल्ली का पूछा, मैं मानता हूं भारत में 600,000 गांव है, और इस मतलब 600,000 के गवर्नमेंट स्कूल्स है, इसलिए मैं मेरा स्पीच में मैंने बताया पब्लिक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट स्कूल में आपने एक बताया बहुत सुविधाएं दिया है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। और आप बताए कि ये गलत मत समझिए, ये केवल पेपर में है, और ये प्रेजेंट दिल्ली सरकार इतना एजुकेशन में सुविधाएं किया, और मैं ये गलत मत समझाइए, कोई भी स्कूल में, कोई भी क्लास में, कोई भी टीचर खड़ा होके नहीं पढ़ते। आप किसी क्लास में जाइए, किसी स्कूल में जाके देखिए, बैठ के पढ़ाई करते, और इतना टेक्स्ट बुक सप्लाई कर रहे गवर्नमेंट स्कूल में,
और पूरा वो सप्लाई होने के बाद पूरा रूम भरा रहता और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बच्चों को। और जैसे हम बिंदापुर में, मैं बताता हूँ कि मैं हर क्लास में जाके एक एक टेबल में मैं चेक करता था बच्चे ने टेक्स्ट बुक लाया नहीं लाया, और वो टेक्स्ट बुक लाने के लिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, हाउ टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, व्हाई चाइल्ड हैज टू ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, मीन्स लैंग्वेज इज taught through textbook, mathematics is taught through geometry box, science is taught through apparatus, social study is taught through maps and globes. इसलिए बच्चों को बताना आप टेक्स्ट बुक लाना, ऐसा नहीं कि सोशल स्टडी में, मैथ्स में, साइंस में टेक्स्ट बुक नहीं लाना। और लैंग्वेज, हाउ लैंग्वेज इज taught, लैंग्वेज इज taught through textbook, बच्चे लैंग्वेज में टीचर्स का मुंह नहीं देखना, फेस नहीं देखना, सुनना, और उंगली टेक्स्ट बुक में रखना, उंगली टेक्स्ट बुक में रखना, मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहा है, उसका स्पेलिंग कैसे है, ये इस तरीके से मैं स्टाफ रूम में टीचर्स को उनको बताता ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करो उनको। और मैं बच्चों को बताता आप टेक्स्ट बुक खोल के रखो, तब नेक्स्ट समझता नहीं समझता नेक्स्ट बाद में का बात है। और अभी कोरोना का टाइम सर मैं बता रहा हूँ, दैट टाइम आई वाज ए डिप्टी डायरेक्टर, और ये ऑनलाइन क्लासेस जो चलता था इट वाज हार्डली 5% इवन द ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस देयर फोन इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ फादर मोबाइल, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस थ्रू मोबाइल फोन एंड नॉट इन द नेम ऑफ चाइल्ड, सो व्हेन द ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन दैट नेम इज फोटो एंड नेम इज यूज टू कम इन द नेम ऑफ फादर, then they used to take make the attendance and after 5 minutes the child used to ask sir ek class kab khatam hoga, main mobile leke jana hai. Aur abhi dekhiye kendriya vidyalaya mein kis tarika se online classes hua, aur the online classes 3 years it is a fully failure, there was almost there was no teaching. See quality teaching we say, what is quality teaching, ye pura aap keval delhi ka bataye sir, pura india mein 5 lakhs गवर्नमेंट स्कूलों में प्रॉपर टीचिंग लर्निंग हो गया तो ये पूरा गवर्नमेंट स्कूल में, और दूसरा बात है 5 लाख बच्चे बढ़ गया गवर्नमेंट स्कूलों में, और इसके लिए देयर इज अनदर रीजन फॉर द फाइव इंक्रीज ऑफ 5 लाख। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में ऑल फैसिलिटीज आर गिवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग लर्निंग and this different type of electronic media, everything is given, but real teaching learning in the class jo pehle hota tha wo abhi nahi ho raha hai, abhi nahi ho raha hai. Acha uttar diya bhai sahab aapne. Ek aur question hamare beech mein bhai ji puchna cha rahe hain, to haan ji zarur puchiye. पूछिए अनिल जी, नमस्ते जी, हमारे बीच में. हाँ जी पूछिए. ओम शांति. और आज का जो ना इतना अच्छा टॉपिक आप लोगों ने रखा, उस टॉपिक पे बड़ा ही गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि आपने बड़े भाई डॉक्टर मल्लिकार्जुन केएस जी को आमंत्रित किया और हमें इनको सुनने का देखने का मौका मिला, और इससे हम जो है ना सभी भाई बहन लाभान्वित हुए हैं, और हमारा सौभाग्य तो रहा ही है कि हमें इनका स्नेह आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता ही रहता है, और आज आपने ब्रह्म कुमारी जी के माध्यम से बाकी भाइयों और बहनों को भी जो है ना अपने बारे में बताया, उसके लिए आपकी बहुत बहुत धन्यवाद. और आप जैसे पुत्र भारत में रहेंगे तो उससे और भी जो है ना आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलेगा और भारत स्वर्ण भारत बनेगा. बहुत बहुत धन्यवाद बहन और भाई. और भी किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं. नमस्कार एंड ओम शांति. ओम शांति. कैसे हैं आप? मैं सर मैं एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ. आपने 60 साल तक
सरकारी नौकरी में रहते हुए ये सब करा, आपने अपनी नौकरी को जस्टिफाई किया। मैं आपसे पूछता हूँ, आफ्टर 60 ईयर एट प्रेजेंट, अब आप समाज के लिए, देश के लिए कुछ सोचा है करने का? और अगर आपने कुछ सोचा है तो उसमें हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार। ओके ओके ओके। और मैं अभी रिसेंटली अनिल जी को इस मीडियम के मीडिया का द्वारा बताना चाहता हूँ, मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक में एज अ प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी ज्वाइन किया, और वो भी जस्ट फ्यू डेज बैक, और मेरा अंडर में 10 रिसर्च स्कॉलर स्टडी कर रहे, मतलब उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। और देन इसी तरीका से जो भी स्कूल मेरा सर्विस पूछते, मैं उस स्कूलों में जाके एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में मैं गाइड करता हूँ। और देन उस तरीके से मैं अभी बिल्कुल ही फ्री नहीं हूँ, मतलब जो गवर्नमेंट सर्विस था उससे ज़्यादा बिजी हूँ मैं, और कई स्कूल विजिट करता हूँ मैं, विजिट करके उस स्कूलों में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऊपर चर्चा और ट्रेनिंग वो करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने कम शब्दों में ही बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपने दिया। अभी हम सभी मिलकर के उस परम शक्ति को याद करेंगे सिर्फ 2 मिनट, और परमात्मा से ऐसी शक्ति लेंगे, और फिर हम उन शक्तियों के साथ इस देश को महान बनाने में पूरा संपूर्ण रीति से परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करेंगे और संपूर्ण रीति से सहयोग भी देंगे। अभी सभी एकाग्र होकर के बैठ जाए, जैसे जैसे मैं थॉट्स देती जाऊंगी उस हिसाब से अपने मन में उन विचारों को सोचते हुए चित्र बनाते जाए। अभी तक हमने जितने भी अच्छाइयों के बारे में सुना और सुनते आ रहे हैं, ये सारी अच्छाइयां कहां पर है? अपने आप से प्रश्न करें। ये जो शांति है, डिसिप्लिन है, प्यूरिटी है, प्यार है, स्नेह, सहयोग, भावना है, ये सब चीजें हमारे खुद के अंदर है, महसूस करें। हम एक चैतन्य सितारा, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, मस्तक के बीच में एक छोटा सा सितारा चमक रहे हैं। मन के आंखों से अपने स्वस्वरूप को देखें। इतना सुंदर सितारा, शरीर को चलाने वाली शक्ति, और उस शक्ति में ही, मतलब मेरे खुद में ही इतनी सारी वैल्यूज, इतनी सारी अच्छाइयां, कलाएं, हिम्मत के रूप में और बहुत सारी शक्तियों के रूप में है। अभी मैं उस परम शक्ति को मन की आंखों से देखने की कोशिश करूंगी। देखे उस परम शक्ति को, जैसे मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, छोटा सा सितारा, ऐसे ही सितारा उस परम पिता परमात्मा का दृश्य मन से दर्शन करें, और उससे निकलता हुआ हजारों शक्तिशाली किरणों का महसूस करें। मैं
एक छोटा सा सितारे के रूप में हूँ और परम शक्ति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है। फिर से अपने अंदर प्रॉमिस करें कि मैं चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी घटना हो, कोई भी बात आए, कि मैं अपने वैल्यूज के साथ रहकर अपनी जीवन यात्रा करूंगी या करूंगा। उस परम शक्ति को दिल से धन्यवाद करें जो आज तक हमें सिखाया, पढ़ाया और जीवन काल में निर्विघ्न होकर के यहाँ तक पहुंचाया। आगे तक भी परमात्मा हमारे साथ है और सदा साथ रहेंगे। शुक्रिया मेरे पिता परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद आप सभी का भी, और खास करके हमारे डॉक्टर मल्लिकार्जुन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी, इतने बिजी होते हुए भी आप हमारे बीच आए, अपना अमूल्य समय निकाल करके इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, चाहे वो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं। इस हमारी श्रृंखला में भी, इस प्रोग्राम में भी अनेकों पेरेंट्स और बच्चे भी हैं, सुन रहे हैं, तो आपसे बहुत प्रेरणादायी बातें हमें मिली। आपको फिर से दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप एक और रिक्वेस्ट है भाई जी, आप हमारे ब्रह्म कुमारी लोकल सेंटर पर जरूर आए और मेडिटेशन और भी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। बहुत अच्छा वातावरण, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन से वातावरण से हम करते हैं तो अच्छे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो आप जरूर आए और सीखें। और एजुकेशन विंग, हमारी जो माउंट अबू में प्रोग्राम्स चलता रहता है, उसमें भी मैं आपको निमंत्रण देती हूँ। आप जरूर आए, अपने परिवार के साथ आए और अपना कुछ समय वहां पर बिताए और वो चीजें सीखे। तो धन्यवाद आप सभी का भी, धन्यवाद जो भी हमारे श्रोतागण हैं। तो बहुत दिल से सभी को ओम शांति। फिर मिलेंगे। ओम शांति।